इनके पता नहीं गाड़ी सुन रहे, इन्हे के पता नहीं गाड़ी है, वो सारा ताली से किसान मोहल्ले पानी पर पहुंच रहा है। और यमुनानगर, बड़ी खबर, गन्ने की पेमेंट को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने किया जिला सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन। जिला सचिवालय से जगाधरी जा रहे मार्ग को किसानों ने किया अवरुद्ध, वह वाहनों की लंबी लाइनें एक ओर व दूसरी ओर किसानों ने जिला सचिवालय के बाहर रोड पर ही धरना देकर खाना बनाया व खाया। वहीं जिला उपायुक्त के आश्वासन के बाद किसान यूनियन के सदस्यों ने धरने को समाप्त किया। वहीं क्या कहा बाक्यू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने, वह भी सुने। कड़ा आंदोलन होगा, कड़ा आंदोलन होगा, क्या रहे ना शेरो, भारतीय किसान यूनियन। समस्या गन्ने के दाम की है, बकाया के ब्याज की है, 10 साल पुराने विकलों की है। और सड़क पे जो आप जाम की बात कर रहे हैं, सड़क पे तो प्रशासन ने बिठाया, आगे जंगल लगा रखा, पुलिस खड़ी कर रखी, आगे जब जान नहीं देते तो हम यहाँ सड़क पे बैठे हैं। धरना दिया है, पंचायत की है, और यहाँ प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया, और सभी किसानों ने यहाँ लंच भी किया सड़क पर बैठ करके। यहाँ सारा प्रशासन किसानों के बीच में आया, वो यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है उसने ज्ञापन ने कहा कि व्यक्तिगत सीएम साहब से बात करेंगे और इस मेमोरेंडम को भी सरकार के पास भेजेंगे। अगर 18 तारीख तक सरकार ने इस मसले को हल नहीं किया, गन्ने आंदोलन के मसले को हल नहीं किया, तो 18 तारीख को पानीपत में जो मुख्यालय भारतीय किसान यूनियन का, वहाँ पूरे प्रदेश के हमारी कार्यकारिणी आएगी और आगामी कदम उठाने के उसमें आगे ठोस निर्णय लिया जाएगा। अब ज्ञापनों का दौर खत्म हो चुका, अब अगला दौर आंदोलन का शुरू होगा और वो फैसला पानीपत में होगा, कड़ा होगा, ये चेतावनी है सरकार को, हमने ज्ञापन में लिखा। गन्ने के मूल्य को लेकर क्या डिमांड? गन्ने के उसमें ये है 450 रुपए प्रति क्विंटल, और 15% का ब्याज, अगर 14 दिन पेमेंट लेट हो जाती है, वो कानून ला है सरकार का, पहली सरकारों को बनाया लिखित में, वो आज डिलीट भी नहीं हुआ है, तो 15% के साथ साथ किसान को ब्याज भी दिया जाए। यहाँ खाद की भी कीमत का मसला आया, और एक यहाँ का अधिकारी है जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, वो किसानों से सीधे मुंह नहीं बात करता, उसकी शिकायत की हमने प्रशासन ने सुनी है, तो या तो सुधर जाएगा, नहीं किसान उसके दफ्तर में जाकर उसका विरोध भी करेंगे, सुधारने का काम भी करेंगे, ये बदतमीजी और सहन नहीं होगी। तो इन सभी मसले पर सकारात्मक बात हुई है, हमें उम्मीद है कि सरकार जल्दी इस गन्ने आंदोलन का समाधान करेगी।